नमस्कार, जय शर्म। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ। आज हम आप सभी के बीच चर्चा करेंगे कि क्यों आती है गरीबी, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और घर से गरीबी भगाने के पांच व कौन से ऐसे मुख्य उपाय हैं जिसको करके हम अपने घर से गरीबी को भगा सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में सुख की कामना नहीं करता है। सब कोई चाहता है कि मेरे जीवन में सुख मिले, प्रसिद्धि मिले, मान सम्मान मिले, लेकिन क्या हम उस योग्य कर्म करते हैं, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। देखिए, अगर आप धान बोएंगे तो धान ही काटेंगे, गेहूं नहीं काट सकते हैं। ऐसे ही अगर जीवन में अपने दिनचर्या में कुछ चीजें अगर हम सम्मिलित करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन की प्रत्येक कठिनाई हमारे घर से, हमारे जीवन से दूर होगी। और उसके लिए किन किन पांच चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जिससे घर से गरीबी दूर हो सके, तो सबसे पहले वह पांच मुख्य उपाय अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जिससे आपकी जीवन की गरीबी दूर हो, आपकी घर की गरीबी दूर हो। सबसे पहला कार्य, नित्य सूर्योदय से पहले घर के प्रत्येक सदस्य को अपना अपना बिस्तर त्याग देना चाहिए। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो जीवन में अगर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, उसका मुख्य कारण यही है कि जो व्यक्ति विलप से उठते हैं यानी सूर्योदय के बाद से उठते हैं, उस समय बाद उनके जीवन में दरिद्रता का वास होने लगता है। इसलिए सबसे मुख्य बात है कि सुबह सूर्योदय से पहले घर में सभी सदस्य को अपना अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए, यानी उठ जाना चाहिए। दूसरा, अपने से बड़ों का मान सम्मान करना। बड़ों का तात्पर्य जो भी बुजुर्ग हैं घर में आपसे बड़े हैं, चाहे वो 5 दिन बड़े हो, 10 दिन बड़े हो, तो उठने के बाद शौच क्रिया आदि के साथ साथ सभी बड़ों को नतमस्तक होना, सभी के आगे हाथ जोड़ना, सभी के चरणों को स्पर्श करना, और अपने इष्ट देवता कुल देवता का वंदन करना। जिस घर में सूर्योदय के वेला में उनके इष्ट देवता और कुल देवता की आराधना होती है, यानी कि घर में, मंदिर में या नजदीकी किसी मंदिर में घर का कोई सदस्य जाके भगवान की पूजन अर्चन करके आता है, तो इसके द्वारा उसकी घर की दरिद्रता दूर होती है। तीसरा, गौ ग्रास निकालना। जब भी आप सुबह उठते हैं तो स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले गौ ग्रास निकालना चाहिए। वैसे तो 5 महाबलि का विधान बताया गया शास्त्रों में, कौवा को, चीटी को, कुत्ते को, गाय को और अपने पूर्वजों के लिए कुछ ग्रास निकालना। अगर आप इन सब के लिए नहीं कर सकते तो गौ के लिए ग्रास जरूर निकालिए, यानी गौ ग्रास अवश्य निकाले। इसमें आप कुछ भी भोजन, पका हुआ भोजन निकाल सकते हैं, सूखा अन्न निकाल सकते हैं, कुछ फल फ्रूट निकाल सकते हैं, कुछ भी आप गौ माता के लिए गौ ग्रास अवश्य निकालिए। चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये कि आप अपने घर में सोते समय, खास करके इस बात को स्त्रियों को ध्यान देना है, सोने से पूर्व घर की किचन की साफ सफाई करें। घर के किचन में किसी भी प्रकार की वस्तु जो है फैली हुई ना हो, और आपकी जो रसोईया है यानी कि जो चूल्हा आदि है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, सिंक में जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका बाथरूम सोने से पहले साफ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। ये 4 बात महत्वपूर्ण है। 5वां जो है वो ये है कि रात्रि सोने से पूर्व किचन में और बाथरूम में 1 लोटा जल भर के रखें और सुबह उठकर उस जल को पौधे में डाल दें। जिस घर में यह 5 उपाय होगा वह निश्चित ही उसके घर की, उसके जीवन की दरिद्रता दूर होगी और वह शीघ्र ही उनके घर में खुशहाली और सुखमय जीवन उनके घर के सदस्यों को प्राप्त होने लगेगा। अब बात यह है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों को अगर हम नहीं करेंगे तो घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी।
अब हम बात करते हैं क्यों आती है गरीबी, क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, गरीबी आने का कारण एक तो लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, क्रोध, यह सब भी गरीबी का मुख्य कारण है। मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो जीवन में सक्सेस होंगे। जैसे एक चींटी बार बार दीवार पर चढ़ती है, बार बार नीचे गिरती है, पर वो अपना कर्म करना नहीं छोड़ती, वह पुनः हो प्रयासरत रहती है कि मैं कब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँ। तो आप जिस विभाग में है, जिस फील्ड में है, चाहे बच्चा हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई व्यक्ति रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार छोटा बड़ा नहीं होता, आपका जो भी रोजगार है उसमें पूरा 100% दीजिए। क्या पता आपके मालिक का कब आपके ऊपर कृपा दृष्टि बन जाए और आपको कब छोटे से बड़े पद की प्राप्ति करा दे। तो कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दे, जो भी कार्य करो उसमें पूरा 100% दे। तीसरा, किसी के प्रति द्वेष भावना ना रखे और आलस्य का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे। मधुरवाड़ी जिसके युवा पे वास करते उसके जीवन में लक्ष्मी का वास होता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। इसके अलावा व्यक्ति को आलस्य का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। तो इन बातों का जो ध्यान रखता है वो कभी जीवन में दरिद्र नहीं होता है। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी बातें हैं जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान देना, वो क्या है, कभी बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार ना करें, उनकी बातों का अनादर ना करें। और जो पूजनीय है, जो भी चीजें पूजनीय है, श्रेष्ठ है, उसका सम्मान करें। इन बातों को जो व्यक्ति ध्यान रखता है वह जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय सियाराम।